Today we will discuss about carbonyl compounds, aldehydes and ketones. Next is aldehyde and ketones में first कि आपका carbonyl carbon होता क्या है carbonyl compound is that यह है carbonyl compound. Carbon और oxygen के बीच bonding that is carbonyl compound. That carbon is called carbonyl carbon and this oxygen is called carbonic oxygen. इसके अंदर हमने पढ़ना है carbonyl compounds like aldehydes and ketones. ये होते हैं आपके एल्डिहाइड्स एंड दिस इज योर कीटोन. एल्डिहाइड्स में आपके यहाँ पे हाइड्रोजन रहता है और यहाँ कीटोन्स में आपके दोनों साइड हो सकता है सेम अल्काइल ग्रुप हो, दे माइट बी डिफरेंट और दे मे बी सेम. नोमेनक्लेचर की बात करें, फर्स्ट गिव यू एग्जांपल्स ऑफ सम कॉमन नेम्स. दिस इज योर फॉर्मल्डिहाइड, ब्यूटेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड. नेक्स्ट इज अल्फा बीटा कार्बन कौन सा होता है. अल्फा बीटा कार्बन में जैसे ये मान लो आपका यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप लगा है, ये है आपका. इसके साथ तो आपका फर्स्ट कार्बन होगा इस इज योर कार्बोनिल कार्बन. इसके साथ जो आपका फर्स्ट कार्बन होगा दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. इसके फर्दर जो नेक्स्ट होगा दैट इज कॉल्ड बीटा कार्बन. दिस इज योर अल्फा बीटा. कैसे आपने किसी भी कंपाउंड में अल्फा बीटा कार्बन निकालनी है वो आप ऐसे इस वे में निकालेंगे कि कोई भी फंक्शनल ग्रुप मान लो यहाँ पे आपके पास कुछ लगा है डबल बॉन्ड ओ लगा है, इधर आपको मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई वो है, तो इसके साथ जो फर्स्ट वन कार्बन होगा दैट इज योर अल्फा कार्बन. इसके नेक्स्ट जो सेकेंड होगा दैट इज योर बीटा कार्बन. ये कंपल्सरी नहीं है कि आप इस साइड को ही लोगे तभी वो अल्फा बीटा होंगे. और मान लो आपका अगर कोई ऐसी एग्जाम्पल लेते हो कीटोन की एग्जाम्पल है, दिस इज योर कार्बोनिल कार्बन एंड यहाँ पे आपका CH2 CH3 कोई फंक्शनल ये लगा है, सेम आप इधर को कोई CH2 CH3 ऐसा कुछ. इस साइड को इधर को भी दिस वन इज योर अल्फा एंड हियर दिस इज योर अल्फा, दिस वन इज योर बीटा और इधर को भी सेम दिस इज योर बीटा. तो ये हो गया आपके अल्फा बीटा का आपने कार्बन कैसे निकालने हैं. नेक्स्ट आ जाता है इसका नोमेनक्लेचर में. नोमेनक्लेचर में इसमें जो आपका एल्केन की ई होती है एंड में उसको रिप्लेस किया जाता है एल्डिहाइड में अल के साथ. और एल्डिहाइड्स में आपको उसकी पोजीशन मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, कोई भी नीड नहीं होती है. व्हाई? बिकॉज जो आपका एल्डिहाइड होता है वो एंड में ही होता है, किसी भी चेन के एंड में ही लगा होगा आपका एल्डिहाइड ग्रुप, वो सेंटर में नहीं हो सकता. अगर सेंटर में होगा तो वो आपका कीटोन या कुछ और बन जाएगा, वो एल्डिहाइड नहीं रहेगा. तो वी हैव नो नीड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप ड्यूरिंग नोमेनक्लेचर. नेक्स्ट इज कीटोन. कीटोन्स में आप आई गिव यू सम कॉमन एग्जांपल्स लाइक कॉमन नेम की एक एसीटोन लिखा है, इथाइल मिथाइल कीटोन. नेक्स्ट तो यहाँ पे है हमारे पास मान लो ये आपका This is your carbon, this is your oxygen. Your carbon, out of your carbon and oxygen, your oxygen is more electronegative than carbon. जब भी इस electronegativity difference की वजह से जो आपका oxygen है उसके ऊपर partial negative charge आता है और जो आपका carbon है उसके ऊपर कौन सा charge आता है, partial positive. आप इसको अगर resonance में भी represent करना चाहते हो तो you can represent it like this. ये आपका जो pi electron है या pi bond है ये यहाँ पे shift हो गया, तब योर ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियल सॉरी नेगेटिव चार्ज एंड योर कार्बन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. नेक्स्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आप फर्स्टली सिंगल बॉन्ड्स में नहीं देख सकते हो, आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना किसी मॉलिक्यूल के अंदर इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू चेक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, आपके पाए इलेक्ट्रॉन का या पाए बॉन्ड का कंप्लीट ट्रांसफर टू द अदर एटम. That is called your electromeric effect. When a compound containing double or triple bond is attacked by a reagent, तो आपका shared pair of pi electron होगा, that will completely transfer to the one of the atom. This is known as electromeric effect. So further, जो आपका electromeric effect होता है, वो two types के होते हैं, plus E effect and minus E effect. Minus E effect मतलब जैसे आपने कोई दिस इज योर कार्बोनिल, जब आपने कोई रिएजेंट को अटैक करवाया, आपने रिएजेंट का अटैक करवाया इस कार्बन के ऊपर, जो आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए वो इस पे हुए सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर, दैट इज योर माइनस इफेक्ट. बट अगर आप ऐसा कोई वो लेकर चलते हो, ये है आपके पास, आपने अटैक करवाया
इसी रीजन के ऊपर, मान लो ये दैट इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टेड टू हियर, सो आपके पास जो बनेगा एज इट इज ये, और जो आपका आपके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट भी इसी कार्बन पे है और आपका जो रिएजेंट अटैक हुआ वो भी इसी कार्बन पे है, तो दैट इज कॉल्ड प्लस ई इफेक्ट। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब फर्स्टली न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं आपके, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, दैट इज योर न्यूक्लियोफाइल। जब कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब आपका जो है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टू योर, दैट ये आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, ये एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आपके जो पुराने बॉन्ड हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं और जो न्यू बॉन्ड है वो बनना स्टार्ट होते हैं। तो है आप, ये जब न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ अटैक किया और ये जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए, तो है मैंने यहाँ पे ये डैश लाइन से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये न्यू बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है कार्बन के साथ, और यहाँ पे मैंने इस ऑक्सीजन का जो ये वाला पाई बॉन्ड है वो मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ से वो ब्रेक हो रहा है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद फर्दर ये आपका बन गया ये न्यूक्लियोफाइल, आपका अटैक हो गया और जो ये पाई बॉन्ड था आपका यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, दैट्स व्हाई योर ऑक्सीजन एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज, वाटर से आपने ट्रीट किया इसको तो जो ये नेगेटिव है बिकॉज वाटर HOH, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल दैट इज पार्शियल नेगेटिव, तो ये जो आपका नेगेटिव है दैट विल एक्वायर योर हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोक्सिल। दिस इज हाउ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टेक्स प्लेस ऑन कार्बोनिल।